क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। मैं तुमको ले जाता हूँ आवाजों की दुनिया में। आ तो चलते हैं, चलो 9 से 12। एतवार का दिन था, मैं बड़ी गहरी नींद में सोया था, तभी मेरे को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मैं सोचा कोई सपना होगा, लेकिन तभी एक और आवाज सुनाई देती है। ओले है, ओले साथ में हो गए, दोनों पार्टी कर रहे हैं। अच्छा है। ए भैया भैया, मैं योगा सीख रहा हूँ भैया भैया। होगी और तेरी पैंट फट जाएगी। ओह तो ढाकी देखे आ। अच्छा तो इसको बोल, इसको चल मैं मस्त करूँगा। चलो मेरे पास आना और दुखी बैठ बजाना। उसके बाद मैं चैनल को बदल लेता हूँ तो कुछ और आवाज सुनाई देती है। खुश अभिया, अरे समोसे खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं चलती। खुशबू ओ मेरे भाई मेरे भ्रा, वो कसम मेरी मरीजों की, वो इतनी सोनी लड़की मैंने पहली बार देखी है। आजान चल आजान, तो इसको पकड़ो इसको मारो। है। उसके बाद मैं फोन निकालता हूँ तो यूट्यूब पर लिखा था एक्टर्स की कुछ हास्यप्रद वीडियो। तो उसमें मोदी जी बोलते हैं, मारा प्यारा देशवासी, पहले का जमाना ना बड़े संस्कार गाने चलते थे, लागे ना आजकल गाने चलते हैं लगा 440 वोट का झटका पैरे छोने से। तो ऐसे बिजली उत्पन्न ना करें, क्योंकि पहले के जमाने में बड़े पतले पतले तार मिलते थे, लेकिन आजकल तो ट्रांसफार्मर मिलते हैं। ओए पापा पापा, वो लड़की देख रहे हो आप? बड़ा सदे हो तो बड़ी प्यारी हो बच्चा। पापा पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ पापा, लेकिन बड़े सदे तुम्हारा प्यार तो वो काजल हुआ करती थी। ओए पापा, मैं कल निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया, ओए पापा मैं काजल को वहीं छोड़ आया। अरे तारे माँ का बाप का दादा का सबका पता लगा रहा। माँ पर अब पता में तक सासों के मौत को अक्सर छोड़कर वापिस आ सकता। उसके बाद मैं घर से निकल जाता हूँ। जैसे घर से बाहर निकला, प्यारी सी आवाज मेरे दिल को छू जाती है। जैसे ही मेरे दोस्त का दरवाजा खटखटा, एक भारी भरकम कुत्ता मुझे काटने के लिए दौड़ता है। उसके पास एक पेड़ पर बंदर खेले थे। जैसे ही नागिन निकला, मेरे पास से कुछ बाइक निकलती है। उसके पीछे एक बुलेट बाइक जा रही थी। आगे मेरे ताऊ जी इंजन चला रहे थे। तभी मेरे पास एक मैसेज आता है, तभी हम शहर में रेसिंग बाइक के लिए चला जाते हैं, जहां पर एक ट्रेन से रेल स्टार्ट हो रही थी। तभी वो पुल से गुजरती है। पुल तो क्रॉस कर लिया, लेकिन तभी सामने से दूसरी ट्रेन उसको ओवरटेक करती है। आखिरकार हम ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं तो कुछ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन हमारे अंदर से कुछ और आवाज आ रही थी। लेकिन आखिरकार वो पल आ ही जाता है, कुछ तेज धार बाइक हमारे सामने से गुजरती है।